हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये वीडियो है वेडनेसडे का। सुबह के बजे हैं 5 और मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। बच्चों के टिफ़िन में आज मैं बनाऊँगी खिचड़ी, जो कि मैं बनाऊँगी स्मक के चावल की, जो कि हम व्रत में भी खाते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप स्मक के चावल ले लिए थे। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और धोकर मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और तब तक मैं तैयार कर लूँगी सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया था एक टमाटर और एक छोटा सा टुकड़ा जुकिनी का पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी काट लिया था। आप इसमें चाहें तो मटर, आलू, गाजर, जो भी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें सिंपल सी बस ये दो चीज़ें ही डाल रही हूँ। थोड़े से मटर बाद में डाल दूँगी और मैं इसमें प्याज भी नहीं डालूँगी। और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और स्मक के चावलों की खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही लाइट होती है। आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। और देखिए, बस मैं पानी डालकर इनको 2 सीटी दिलवा दूंगी और हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बाय बाय। फॉर टीचर। ओके। और बस बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपना डेली का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे पहले मैं लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन में। तो मैं कपड़ों को ना डेली ही धो देती हूँ क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, तो मैं उनको डेली ही धो देती हूँ। और बस इसके बाद मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने भी वो खिचड़ी जो बनाई थी वही खा ली थी। और उसके बाद अब आ गए हैं सीधा लंच में। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा बैंगन। मेरे पास ना ये लंबे वाले बैंगन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसी को ही मैं भरवा ही बना देती हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं थे, 4-5 ही थे। तो बस इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनकी जो डंडी वाली साइड होती है ना, वहाँ से इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और बीच में से चीरा लगा देंगे। और चीरा लगा कर अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इसी के साथ मैंने इसमें 2 प्याज को भी अच्छे से छील लिया है। प्याज को ना मैं इसमें कद्दूकस करूँगी। आप चाहे तो इसको बारीक बारीक भी चॉप कर सकते हैं, पर ये जो कद्दूकस करके जो इसका टेस्ट आता है ना, वो फ्लेवर आता है वो अलग ही आता है, तो वो आपकी मर्जी है। तो चलिए इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं जिसको हम अचारी मसाला कहते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक छोटा सा पैन। उसमें मैंने डाले हैं 1 टीस्पून मेथी सीड यानी मेथरे, 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने कलौंजी डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने डाली है इसमें फेनल सीड यानी सौंफ, और 1/4 कप मैंने इसमें कोरिएंडर सीड्स डाले हैं। इन चारों को ही बस पैन में हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक सुनहरा सा कलर ना आ जाए और इसकी ना एक हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। बस तब तक इसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे पीसें। तो देखिए ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया था।
चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। जो प्याज हमने कद्दूकस करके रखे थे उसमें हम मसालों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो प्याज को निचोड़ भी सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी होता है जब हम कद्दूकस करते हैं, तो मैंने इसको निचोड़ा नहीं था, मैंने इसमें ऐसे ही मसाले डाल दिए हैं। तो मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 2 टीस्पून मैंने जो मसाला बना कर रखा था अचारी मसाला जो अभी हमने बनाया है वो हम डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और मुझे ना इसमें मिर्ची थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसे मिर्ची और डाली है, मुझे थोड़े करारे अच्छे लगते हैं चटपटे से, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डाल दी है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, तो मैंने बस लाल मिर्ची डाली है। अब मसाले को हमने अच्छे से बैंगन में भर देना है। मसाले को मैंने अच्छे से बैंगन में भर दिया है। तो मैंने अब ले लिया है एक पैन, पैन में हम डालेंगे ऑयल, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमने बैंगनों को इसमें शैलो फ्राई करना है। तो ऑयल को मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूंगी और इसके बाद जो हमने बैंगन भर कर रखे हैं उन्हें हम रख देंगे। और बस इनको हम ढक देंगे, ढककर हम इसको एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे और चिमटे से हम इसे दूसरी साइड से भी पलटकर अच्छे से सेक लेंगे। और ये है रागी का आटा, ये भी मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगवा लिया था, तो इसको भी मैं अच्छे से भर कर रख लूँगी शीशे में। तो देखिए बैंगनों को भी चेक कर लेते हैं, बैंगन भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, थोड़े से हल्के से नीचे से चिपक जाते हैं क्योंकि ये मसाला गीला होता है, तो इसीलिए आप मसाले को जब बनाएं तो प्याज को पहले थोड़ा निचोड़ लें, उसका पानी निकल जाएगा तो ये चिपकेंगे नहीं। तो बस बैंगन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसके साथ मैं बना लूँगी अपने लिए रोटी। और मैं रोटी जो है आज जो राजगीरा फ्लावर होता है उसकी बनाऊँगी, और मैं डेली चेंज करती रहती हूँ, किसी दिन रागी की रोटी बनाती हूँ, किसी दिन जो ओट्स के आटे की रोटी बना लेती हूँ, किसी दिन बाजरे की बना लेती हूँ, तो इस तरह से चेंज करती रहती हूँ। और इसकी रोटी बनाने के लिए मैं पन्नी का इस्तेमाल करूँगी, पोलोथीन, पोलोथीन में मैंने आटे को अच्छे से जैसे गूंद लिया था, तो इसका एक पेड़ा बनाएंगे और इसको पोलोथीन के बीच में रख लेंगे, और ऊपर से मैं बेलन से इसको अच्छे से बेल लूँगी तो ये इजीली बेली भी जाती है। और इस आटे को ना आप व्रत में भी खा सकते हैं, इसका आप डोसा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं या रोटी भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से पॉलीथीन की सहायता से मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, तो बस आराम से इसको पॉलीथीन से उतार कर मैंने तवे पे डाल दिया, इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और देखिए बैंगन भी हमारे अच्छे से बन गए हैं। तो चलिए थाली तैयार करते हैं। थाली में मैंने रखी है राजगीरा आटे की रोटी,
ये है साथ में दही की सब्जी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और साथ में रखे हैं अचारी भरवा बैंगन। तो लीजिए, हमारी थाली बनकर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।